अगर आप भी गूगल पर ये सर्च कर रहे हैं हाउ टू गेट क्लीन एंड ग्लोइंग स्किन, हाउ टू गेट क्लास स्किन और ये वीडियो आप तक पहुंच गया है, सो जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगर आपकी स्किन पे टैनिंग हो गई है, आपको डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन इवन नहीं है या फिर आपकी स्किन ग्लोइंग नहीं है, सो आपको इस वीडियो में मैं एक ऐसा फेस पैक बताने जा रही हूँ जिसको लगाने से आपकी स्किन लाइटन एंड ब्राइटन हो जाएगी और अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग हो जाएगी। सो इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको लेना है राइस, तो मैं यहाँ पर ये राइस ले रही हूँ। उसके बाद आपको लेना है मसूर एंड मूंग दाल। सो मसूर की दाल के साथ मैंने यहाँ पर मूंग की दाल को मिक्स किया है। उसके बाद आपको लेना है बेसन और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ सैंडल पाउडर, चंदन का पाउडर और कॉफ़ी। अगर आपके पास चंदन का पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह पर मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं या फिर उसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने राइस, मूंग दाल और मसूर दाल इन तीनों इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दिया और इस तरीके से ब्लेंडर में मैंने इसका पाउडर बना लिया है। आप इस पाउडर को 3 से 4 महीने किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। इस पाउडर में राइस है जो आपकी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करता है, मसूर दाल और मूंग दाल में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी स्किन पे ब्लेमिसेस या एक्ने को आने से रोकता है और आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। सो आपको इस पाउडर को इस तरीके से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है और उसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स कर लेना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर बेसन मिक्स कर रही हूँ। बेसन एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है, ये आपके स्किन से डेड स्किन सेल को रिमूव करता है और आपके स्किन को रेडिएंट बनाता है, आपके स्किन को ग्लोइंग बनाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉफ़ी को मिक्स कर रही हूँ। कॉफ़ी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये एक एक्सीलेंट एक्सफोलिएटर है जो डेड स्किन सेल को रिमूव करके आपकी स्किन को टाइटन एंड ब्राइटन करता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। सो कॉफ़ी को मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ चंदन पाउडर। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास चंदन पाउडर नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद आप थोड़ी सी हल्दी भी इस फेस पैक में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो वाइल्ड टर्मेरिक यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है स्किन के लिए। और इस तरीके से सारे इंग्रेडिएंट को आपस में आपको मिक्स कर लेना है और फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आपको रख लेना है। आप इस मिक्सचर को 3 से 4 महीने तक अपने घर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हमारा अमेजिंग सा फेस पैक पाउडर बनके रेडी हो गया है। उसके बाद आपको इसको लगाना कैसे है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको सबसे पहले लेना है कर्ड। दही आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, दही काफ़ी पुराने समय से फेस पैक में यूज होते आया है। ये आपकी स्किन को रेडियंट एंड ब्राइटन करता है और स्किन को काफ़ी ग्लोइंग बनाता है। उसके बाद आपको लेना है हनी, जो एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है और आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। और फिर आपको 2 टीस्पून पाउडर को मिक्स करके इस तरीके से पेस्ट बना लेना है। उसके बाद इस पेस्ट को आपको अपने पूरे चेहरे पर इस तरीके से लगाना है। आपको थोड़ी सी थिक लेयर लगानी है, आप फेस के साथ नेक पर भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसे अपने हाथों पर या फिर अपने पैर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इस फेस पैक में राइस है जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन करता है और अगर आपकी स्किन को, अगर आप राइस पाउडर को या फिर आप राइस वाटर को अपने स्किन पर अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन ग्लास स्किन की तरह दिखती है और आपकी स्किन लाइटन एंड ब्राइटन हो जाती है। उसके अलावा इस फेस पाउडर में मसूर की दाल है जो एक नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होता है जिसके अंदर, जो आपकी स्किन को लाइटन और इवन आउट करता है, स्किन से टैनिंग को रिमूव करता है और ब्लेमिसेस या एक्ने को आने से रोकता है, आपकी स्किन को टाइट करके आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। उसके साथ मूंग दाल में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी स्किन पर एक्ने और ब्लेमिसेस को आने से रोकता है और कॉफ़ी से स्किन टाइट होता है, वो एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है, डेड स्किन सेल को रिमूव करके आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इस फेस पाउडर में बेसन है जो काफ़ी पुराने समय से फेस पैक के लिए यूज़ होते आया है और आपकी स्किन को से डेड स्किन सेल को रिमूव करके आपकी स्किन को क्लियर एंड ग्लोइंग बनाता है। सो इस तरीके से इस फेस पैक में ये सारे अमेजिंग प्रोडक्ट हैं। सो आपको इस फेस पैक को सिर्फ 5 मिनट तक लगे रहने देना है, पूरी तरीके से सूखने नहीं देना है और उसके बाद अपने हाथों से इस तरीके से आपको धीरे धीरे मसाज करना है। सो आपको सिर्फ दिन में एक बार इस फेस पाउडर को इस तरीके से दही और शहद में मिलाकर आपको अपने चेहरे पर लगा लेना है और 5 मिनट के बाद इस तरीके से के हाथों से आपको स्क्रब करना है और फिर आपको ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। सो
अगर आप इस अमेजिंग फेस पैक को दही और शहद के साथ मिलाकर डेली अपने चेहरे पर लगाते हैं और फिर हल्के हाथों से स्क्रब करके ठंडे पानी से धो लेते हैं, सो आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी, आपकी स्किन से टैनिंग रिमूव हो जाएगा और आपकी स्किन पे एक अलग सा ग्लो आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ आप इस फेस पैक को ज़रूर से यूज़ कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। कीप लविंग मी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके बाय।